दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय वैभव इंटरप्राइजेज भकरेड़ी मार्केट महरे। सभी तरह की टाइल्स, मार्बल, सैनिटरी वेयर व पानी की टंकियां बाजार से कम दामों में खरीदें। मंडी के प्राचीन सिद्ध काली मंदिर में इस बार 50 देवियों के बजाय एक ही कन्या का होगा पूजन। 3 नवरात्रों के नवमी पर इस मर्तबा कोरोना महामारी के चलते प्राचीन माता सिद्ध काली मंदिर में 9 कन्याओं की बजाय एक ही कन्या का पूजन किया जाएगा। यह जानकारी मंदिर के पुजारी जगदीश शर्मा ने दी है। जगदीश शर्मा ने बताया कि नवरात्रों के उपलक्ष्य पर प्राचीन माता सिद्ध काली मंदिर परिसर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे, परंतु कोरोना महामारी के फैलने के बाद अब श्रद्धालुओं का मंदिर आना जाना कम हो गया है और जो भी श्रद्धालु मंदिर माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा जारी SOP के तहत माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। जगदीश शर्मा ने कहा कि नवरात्रों के अष्टमी पर्व पर श्रद्धालु मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मां के दर्शन कर रहे हैं। मेरा नाम जगदीश शर्मा, सिद्ध काली मंदिर। सर्वप्रथम तो मैं आज महाअष्टमी के इस पावन अवसर पर सभी मंडी वासियों को और प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और माँ जगजननी से ये प्रार्थना करता हूं कि जो आजकल ये संकट की घड़ी आई हुई है इसके जल्दी से जल्दी इसका जो है निवारण हो ताकि फिर से वही रौनक और खुशियाँ लौट सकें। जैसा कि सभी भक्तों को विदित है कि आज जो है महाअष्टमी है और आज जो है महागौरी का जो आठवां नवरात्र है महागौरी के रूप में मनाया जाता है। सिद्ध काली मंदिर में भी जो है नवरात्रों का प्रोग्राम चला हुआ है और यहाँ प्रथम नवरात्रे से जो है पाठ का प्रतिदिन पाठ का जो है प्रोग्राम चला हुआ है। जैसे कि आपको मालूम ही है वैसे तो नवरात्रों में यहाँ काफ़ी रौनक लगी रहती थी, काफ़ी श्रद्धालु दूर दूर से आते थे, माता के दर्शन करते थे, आशीर्वाद प्राप्त करते थे, परंतु जब से कोरोना महामारी का जो दूसरा फेज अब आया हुआ है इस कारण जो है भक्तों का जो मंदिर में आना जो है काफ़ी कम हो गया है और जो भक्त आ भी रहे हैं वो जो गवर्नमेंट की द्वारा जो भी गाइडलाइन दी है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। मंदिर के द्वारा भी बार बार आग्रह किया जा रहा है कि जो बिना मास्क के जो है एंट्री नहीं होगी और हाथ धोने की इत्यादि की पूरी सुविधा मंदिर द्वारा की गई है और भक्त भी जो भी आ रहे हैं वो पूरी तरह से उसका अनुपालन कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब।